नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज पे 32 साइज से लेकर 46 साइज तक आप कटोरी का मेजरमेंट कितना ले सकते हो, कैसे लेने से मेरे तरह देखिए ऐसे परफेक्ट फिटिंग्स आपका भी हो सकता है। ये डबल कटोरी ब्लाउज से बैक और फ्रंट दोनों साइड पे यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कटोरी का मेजरमेंट सही किस तरीके से लेना बहुत जरूरी है, तब आपका ब्लाउज परफेक्ट होगा। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, मैम अलग अलग साइज के लिए कटोरी का मेजरमेंट कैसे लेना है उनको समझ में नहीं आता है। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कितने साइज में कितना कटोरी लेना है। कटोरी का जो मेजरमेंट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, उसके पहले मैं मेजरमेंट पूरा आपको दिखा देती हूँ किस साइज की ब्लाउज पे कितना कटोरी साइज लेना है, वो ही पहले देख लीजिए। सबसे पहले देखिए हर साइज के ब्लाउज पे कटोरी बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि किसी किसी का फुल बस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी किसी का फुल बस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, किसी किसी का फुल बस्ट बहुत ही हेवी होता है। यहाँ पे देखिए 32 साइज पे 6.5 इंच भी हो सकता है, जिनका फुल बस्ट बिल्कुल नहीं है उस टाइम पे 6.5 इंच, जिनका नॉर्मल है उस टाइम पे 7 इंच, जिनका बहुत ही हेवी है उनका 7.5 इंच। अपर चेस्ट के हिसाब से जिनका फुल बस्ट हेवी होता है यहाँ पे कब आपको 7.5 इंच लेना है, जिनका देखिए 32 अपर चेस्ट है लेकिन फुल बस्ट 36, 37, 38 है उस टाइम पे आपको 7.5 इंच लेना है। अदरवाइज आप 7 इंच भी ले सकते हो, 6.2 भी ले सकते हो। 34 साइज पे देखिए फुल बस्ट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, उस टाइम पे 7.5 इंच लीजिएगा, हेवी होता है तब 8 इंच लीजिएगा। अगर इसमें भी देखें किसी का फुल बस्ट बहुत ही कम होता है उस टाइम पे आप 7 इंच रख दीजिएगा। 36 साइज पे देखिए यहाँ पे कटोरी का साइज आप सीधा 8 इंच ले लो, फुल बस्ट ज्यादा होता है तो आप 8.5 इंच, किसी का बहुत ही हेवी होता है उस टाइम पे 9 इंच भी दे सकते हो। होता है बहुत सारे लोगों का फुल बस्ट बहुत ज्यादा हेवी होता है अपर चेस्ट के हिसाब से, उस टाइम पे आपको ये लेना है। 38 साइज पे देखिए कटोरी यहाँ पे आप 8.5 इंच रख दो, अगर किसी का ज्यादा हो तो 9 इंच रख दो, किसी का बहुत हेवी होता है उस टाइम पे भी यहाँ पे आप 9.5 इंच रख दो। 40 साइज पे यहाँ पे कटोरी का 8.75 इंच से 9 इंच या 9.5 इंच भी देखिए, अगर किसी का नॉर्मल होता है तब 8.75, अगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है तो 9 इंच लेना है, हेवी होता है तो आप 9.5 इंच लीजिएगा। 42 साइज पे देखिए कटोरी यहाँ पे भी सेम, आपका बहुत ही कम अगर फुल बस्ट होता है अपर चेस्ट के हिसाब से उस टाइप पे 9 इंच लीजिएगा, अगर किसी का नॉर्मल से ज्यादा होता है तो 9.5 इंच लीजिएगा, बहुत हेवी होता है तो 10 इंच लीजिएगा। 44 साइज पे भी सेम देखिए, किसी का फुल बस्ट बहुत ही कम होता है तो आप 9.5 इंच लीजिएगा, अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो 10 इंच लीजिएगा, अगर किसी का बहुत हेवी होता है तो 10.5 इंच रख दीजिएगा। 46 साइज पे यहाँ पे भी सेम, किसी का फुल बस्ट नॉर्मल होता है तो 10 इंच लीजिएगा, नॉर्मल से ज्यादा होता है तो 10.5 इंच लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको जरूरी नहीं होता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी 44 की हिसाब से, जो मेजरमेंट है ना 44 की हिसाब से मैंने लिया था, नॉर्मल जैसे ब्लाउज से मेजरमेंट लेती हूँ बिल्कुल वैसे मैंने यहाँ पे लिया। देखिए यहाँ से मैंने 7.5 इंच लिया फ्रंट नेक की, बस्ट पॉइंट देखिए मैंने 12 इंच पे रख दिया। अभी कटोरी का मेजरमेंट बिल्कुल यहाँ से होता है, देखिए यहाँ पे 44 साइज में मैंने कितना बोला था, अगर किसी का बहुत छोटा होता है तो फुल बस्ट 9.5 इंच, अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो 10 इंच, बहुत हेवी हो तो 10.5 इंच। तो नॉर्मल जिन लोगों का ज्यादा होता है वो ये मेजरमेंट होता है 10 इंच। तो अभी देखिए मैं 10 इंच पे आपको समझाऊंगी, जितना मिला है इसको हाफ कर लो ऐसे। अभी ऊपर की तरफ देखिए मैं 1 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत्र रखूंगी, सेम इस सेट पे भी आपको लेना है, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है। यहाँ पे हमेशा आपको ऐसे थोड़ा सा दबा के देना है तब मीटर्स का फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, उसे पहले यहां से आप मेजरमेंट ले लो, आप यहाँ पे 5 इंच या 5.5 इंच कहीं से भी ले लो, तो मैं 5.5 इंच पे रखूंगी, इसको इसके साथ मिलाना है, देखो ऐसे मिला दो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो मिला दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो गया है हमारा कटोरी।
अभी यहाँ से लेकर चौड़ाई कितना लेना है? आप यहाँ पे फ्रंट पे बहुत ही छोटा करना चाहते हो तो पौने तीन इंच ले लो, नहीं तो आप 3 इंच यहाँ पे रख सकते हो। इसको तिरछा करके इसके साथ मिलाना है, यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ लेना है। देखा ना कितना इजीली यहाँ पे कटोरी तैयार हो गया है। आपको भी इसी तरीके से कटोरी निकाल लेना है। तो जितना मैंने आपको यहाँ पे समझाया, नॉर्मली यही मेजरमेंट आता है। अगर आपको रेडीमेड के लिए करना है, उस टाइम मिडल पर जो मेजरमेंट आता है ना, आप उसी के हिसाब से पूरा ब्लाउज कर सकते हो, तब आपका ब्लाउज परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कमेंट में जरूर लिख देना। दोस्तों, मैंने कोशिश किया अलग अलग साइज पे आपको कितना कटोरी का मेजरमेंट लेना है वो समझाने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको।